दुनिया की सबसे लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रॉल्स रॉयस ने एक बार फिर खुद को साबित करते हुए एक नायाब डिजाइन के साथ रॉल्स रॉयस की नई कार को लॉन्च किया है। इस कार का डिजाइन अपने आप में बेमिसाल है और इस कार की कीमत बड़े बड़े रईसों के भी होश उड़ा सकती है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इस कार को नाम दिया है रॉल्स रॉयस बोट टेल। इस कार की कीमत है 20 मिलियन यूरो यानी लगभग 206 करोड़ रुपए। रॉल्स रॉयस बोट टेल 4 सीटों वाली लग्जरी कार है। इस कार की लंबाई तकरीबन 19 फीट है। इस कार का रियर डेक पिकनिक सेट में बदल जाता है। आपको बता दें, आमतौर पर रॉल्स रॉयस की कोई भी कार सस्ती नहीं आती है, इनकी कीमतें करोड़ों में ही होती हैं, लेकिन कुछ लग्जरी कारों को क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से बनाया जाता है। इस तरह की कारों को रॉल्स रॉयस अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ही बनाती है और रॉल्स रॉयस बोट टेल उनमें से एक है। इस कार की बात ही कुछ अलग है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब रॉल्स रॉयस ने इतनी महंगी कार का निर्माण किया हो। इससे पहले भी रॉल्स रॉयस स्वेप टेल नाम से एक कार बनाई जा चुकी है जो रॉल्स रॉयस बोट टेल के आने से पहले दुनिया की सबसे महंगी कार थी। रॉल्स रॉयस स्वेप टेल की कीमत करीब $12 मिलियन यानी करीबन 83 करोड़ रुपए थी। इस कार को मई 2017 में लॉन्च किया गया था। इस कार में 6.75 लीटर का V12 इंजन लगा था, यानी ये कार भी अपने आप में दमदार थी। वहीं अगर बात करें कि रॉल्स रॉयस बोट टेल में ऐसा क्या है जो इस कार की कीमत इतनी ज्यादा है, तो आपको बता दें इसके डिजाइन और डेवलपमेंट में 4 साल लगे हैं। कार को लगभग बेहतरीन लेवल पर इंजीनियर्ड और डिजाइन किया गया है। 5.8 मीटर की लंबी कार का पिछला डेक तितली के पंखों के एक जोड़े की तरह खुल जाता है। बोट टेल में आपको शानदार चीजों के लिए अंडर कवर स्टोरेज भी मिलता है। आसान शब्दों में बताएं तो इस कार में रियर डेक यानी पीछे के डेक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये किसी लग्जरी रेस्टोरेंट के एक कपल सीट की तरह बन जाती है। कार के पिछले हिस्से का एक हिस्सा छतरी की तरह ऑटोमेटिक रूप से ऊपर उठ जाता है। इसमें एक कपल सीट बनी होती है। इस कार को सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इस हिस्से में एक फ्रिज सहित कई लग्जरी चीजों को रखा गया है। यानी रॉल्स रॉयस बोट टेल की सीट पर बैठकर आप रेस्टोरेंट में बैठने का लुत्फ उठा सकते हैं।